नीमच के स्टेशन रोड स्थित गौनंदी सेवा धाम पर 7 दिवसीय संगीतमय गौ भक्त माल कथा की आज से शुरुआत हो गई। कथा का आयोजन गौ सेवा समिति व गौ रक्षा दल नीमच द्वारा किया जा रहा है। कथा संत दशरथानंद जी सरस्वती के मुखारविंद से हो रही है। इस अवसर पर आज सुबह गणेश मंदिर शिव भंडार स्टेशन रोड से भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसमे बड़ी संख्या में गौ भक्त और महिलाएं शामिल हुई। कथा से पूर्व पंडित सुदर्शन जी आचार्य द्वारा वैदिक पद्धति से गौ पूजन करवाया गया। गौ भक्त माल कथा में गौवंश की रक्षा, गाय का वैज्ञानिक व आध्यात्मिक महत्व समझाया गया। गाय को विश्व की माता किन तथ्यों के आधार पर कहा गया है ये भी बताया गया। यह बताते चले कि गौ सेवा दल निस्वार्थ भाव से गौवंश की सेवा में लगातार अपना योगदान देता रहा है। यहाँ पर भाई साहब जो गौ भक्तमाल ज्ञान गंगा महोत्सव 7 दिवस का है, जो गुरु जी आदरणीय दशरथानंद जी सरस्वती जी के माध्यम से निःशुल्क किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आज कलश यात्रा का आयोजन था, जो अपने गणेश मंदिर अपने स्टेशन रोड से प्रारंभ हुआ और अपने पुराना चमड़ा कारखाना स्थित गौ नंदी सेवा धाम पर उपचारशाला जहाँ बीमार घायल गायों की सेवा होती वहाँ पे समापन रहा। इसमें गौ माता का महत्व बताया जाएगा, गौ माता के साथ में जो आज के समय में हो रहा है और नागरिकों में जागरूकता है उसके लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक इसका समय रहेगा, दोपहर 1 से लेकर के 4 बजे तक। कितनी महिलाएँ कलश यात्रा में शामिल हुई? करीब 35 से 40 करीब महिला थी, गिनती का आंकड़ा तो अनुमान है। जी जी हाँ, इतने महिला शामिल हुई। यहाँ देखिए आजकल क्या हो रहा है कि धर्म के अंदर कई प्रकार की कथाएं चल रही है, भागवत भी हो रही है, राम कथाएं भी हो रही है, देवी भागवत भी हो रही है, सुंदरकांड पाठ इत्यादि हो रहे हैं, और हमारे वेद पुराणों में गाय की महिमा जितनी गाई गई है उतनी स्पष्ट रूप से रामकृष्ण की भी नहीं गाई गई है। लेकिन ये क्या है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस कथा के माध्यम से 7 दिन का जो अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो गौ विश्व से मात्र लिखा हुआ है कि गाय विश्व की माता है, तो गाय विश्व की माता किस आधार पर है? केवल एक ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि हमको दूध दे रही है इसलिए, नहीं, दूध हमको तो दे रही है तो है ही है, लेकिन इसके अलावा यदि दूध हमको दे रही है तो ये देवताओं की माता कैसे हुई है, ये पशु पक्षियों की माता कैसे हुई, ये जीव जंतुओं की माता कैसे हुई है, चर अचार की कैसे माता हुई, पूरे सृष्टि की अगर ये माता है तो ये किस आधार पर है, ये हम समझाने का इसका 7 दिन में प्रयास करेंगे। क्या कार्यक्रम हुआ इसके तहत आज यहाँ पर? आज बैंड बाजे के साथ में धूमधाम से कलश यात्रा आई है, और कलश यात्रा आने के बाद में विधिवत तरीके से, अभी पंडित जी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी विधिवत तरीके से वैदिक मंत्रों के द्वारा गौ माता का पूजन करवाया। करीब 1 घंटा इसका पूजन में समय लगता है और अब आरती का तैयारी है। इसमें नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।